नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आज के लाइव लेक्चर्स में। आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ उपस्थित हैं प्रोफेसर गजनफर अली। प्रोफेसर अली जामिया मिलिया इस्लामिया में टीचर्स की ट्रेनिंग एकेडमी के डायरेक्टर हैं। आज प्रोफेसर अली हमारे साथ डिस्कस करेंगे फैज़ अहमद फैज़ को। हम ये बता दें कि प्रोफेसर अली राइटर हैं, नॉवलिस्ट हैं, शायर हैं, फ्रिक्शन राइटर हैं और लैंग्वेज टीचिंग एक्सपर्ट भी हैं। हम आपसे ये भी कहना चाहेंगे कि आज के विषय को लेकर अगर आपके दिल में कोई भी सवाल है तो वो आपसे हमसे आप लास्ट के आखिर के 10 मिनट में पूछ सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करके। और हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-110-430, 1800-110-430। आइए स्वागत करते हैं प्रोफेसर अली का। प्रोफेसर अली शुक्रिया। उर्दू ज़बान जहाँ अपनी आवाज़ की शीरीनी के लिए मशहूर है, वहीं अपनी शायरी की चाशनी और दिलफरेबी के लिए बहुत मकबूल है। इस ज़बान ने दुनिया को बहुत अच्छे और बड़े शायर दिए हैं। मीर, गालिब और इकबाल के बाद उर्दू में जिस शायर को सबसे ज़्यादा मकबूलियत मिली और जो अपने मुल्क और अपने मुल्क से बाहर भी मशहूर हुआ, उस शायर का नाम फैज़ अहमद फैज़ है। फैज़ की शायरी की इम्तियाज़ी खसूसियात जानने से पहले ये ज़रूरी है कि हम फैज़ के बारे में यानी उनकी ज़िंदगी के बारे में भी कुछ जान लें। फैज़ अहमद फैज़ उनका कलमी नाम था, असल नाम फैज़ अहमद ख़ान था। फैज़ अहमद ख़ान 13 फरवरी 1911 ईस्वी को कस्बा काला कादिर, ज़िला सियालकोट में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम ख़ान बहादुर सुल्तान मोहम्मद था और वालदा का नाम सुल्तान फ़ातिमा। फैज़ की शादी मोहतरमा एल्स जार्ज से हुई थी। फैज़ की दो बेटियां, एक सलीमा और दूसरी मुनीज़ा। फैज़ की तालीम मदरसे से हुई। मजहबी घरानों में आम तौर पर जिस तरह से मजहबी तालीम से शुरुआत होती है, तो फैज़ की तालीम भी मजहबी तालीम से शुरू हुई। शुरू में उन्होंने कुरान हिफ्ज़ करना शुरू किया, बाद में वो नहीं कर पाए। फैज़ ने 1927 ईस्वी में मैट्रिक पास किया फर्स्ट डिवीज़न से। 1929 में मरे काले सियालकोट से इंटरमीडिएट किया, वो भी फर्स्ट क्लास में। 1931 में बीए और अरबी में बीए ऑनर्स फर्स्ट डिवीज़न गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से किया। 1933 में अंग्रेज़ी में एमए किया। 1935 से 1940 तक यानी तालीम से फारिग होने के बाद वो कॉलेज एमए वो कॉलेज अमृतसर में अंग्रेज़ी के लेक्चरर हुए। वहाँ दो साल पढ़ाने के बाद यानी 1940 तक पढ़ाने के बाद 1940 से 1942 तक एक दूसरे कॉलेज हैली कॉलेज ऑफ कॉमर्स में अंग्रेज़ी के लेक्चरर हुए। तालीम के बाद फैज़ अहमद फैज़ फ़ौज की मुलाजमत में चले गए। फ़ौज में 1942 ईस्वी में कैप्टन के ओहदे पर उनका तकर्रुर हुआ। फैज़ 1943 में मेजर और 1944 ईस्वी में लेफ्टिनेंट कर्नल के ओहदे पर फायज़ हुए। 1961 से 1962 तक महकमे इत्तलात व नशरियात में बतौर एजाज़ी मुशीर खिदमत अंजाम दी। 1972 में
قومی ادبی اکادمی پاکستان کے وہ صدر منتخب ہوئے۔ 1978 میں ایفرو ایشیائی ادیبوں کی کانفرنس کے نمائندہ اور اخبار لوٹس کے مدیر بنے۔ فیض کے جو کارنامے ہیں ان کارناموں پر فیض کو بہت سارے اعزازات ملے، جن میں دو اعزازات بہت اہم ہیں، بہت مشہور ہیں۔ ایک 1942 عیسوی میں فوجی ملازمت کے دوران ایم بی ای کا خطاب ملا انہیں، اور 1962 عیسوی میں لینن انعام دیا گیا۔ 1976 عیسوی میں ادبی افروشیائی لوٹس انعام بھی دیا گیا۔ اس کے علاوہ بہت سارے چھوٹے موٹے فیض کو انعامات ملے۔ فیض نے نث اور نظم دونوں میں کتابیں لکھیں۔ ان کے سات شعری مجموعے ہیں۔ نقش فریادی 1941 عیسوی میں شائع ہوا، دوسرا مجموعہ دست صبا 1952 عیسوی میں چھپا، تیسرا مجموعہ زندہ نامہ 1956 عیسوی میں منظر عام پر آیا، دست تہ سنگ 1965 عیسوی میں لوگوں کے سامنے آیا، سر وادی سینہ 1971 عیسوی میں چھپا، شام شہریارہ 1978 میں، میرے دل میرے مسافر 1981 میں، اور اس کے بعد ایک غبار ایام۔ فیض کا تمام کلام کلیات کی شکل میں بھی آ چکا ہے۔ ایک کلیات کا نام ہے سارے سخن ہمارے، جو 1983 عیسوی میں منظر عام پر آیا، اور ایک نسخہ ہے وفا۔ فیض نے شاعری کے علاوہ نثر میں بھی بہت کچھ لکھا، اپنے خیالات کا اظہار کیا، مضامین کی شکل میں بھی، سفر ناموں کی شکل میں بھی، اور خطوط کی شکل میں بھی۔ میزان ان کی تنقیدی مضامین کا مجموعہ ہے، سلیبے میرے دریچے میں ان کے خطوں کا مجموعہ ہے، متاع لوح و قلم، مہو سال آشنائی، انتخاب پیام مشرق، یہ بھی ان کی نثری کتابیں ہیں، سفر نامہ کیوبا بھی انہوں نے لکھا 1973 عیسوی میں، اور ثقافت پر بھی ایک کتاب لکھی، ہماری قومی ثقافت، جو 1976 عیسوی میں شائع ہوئی۔ فیض ایک ایسے شاعر تھے جنہوں نے زمانے کو نہ صرف یہ کہ اپنی شاعری سے متاثر کیا، بلکہ اپنے خیالات سے اور اپنی جو اور جو ان کی عملی خدمات تھی ان سے۔ یعنی فیض ایک دردمند دل رکھتے تھے، ایک ایسا انسان جو لوگوں کے دکھ درد سے تڑپ جائے، جو ظلم و مظالم اور ظلم و ستم کے خلاف آواز اٹھانے پر مجبور ہو جائے، اس طرح کے شاعر فیض تھے۔ فیض ترقی پسند شاعر تھے، ترقی پسند تحریک سے بہت متاثر تھے، اور ترقی پسند نظریات کے بہت بڑے حامی بھی تھے۔ مگر فیض کی شاعری سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ترقی پسند شاعر ہوتے ہوئے بھی اس طرح کے ترقی پسند شاعر نہیں ہیں جن کی شاعری منشور کی گونج ہو جاتی ہے یا نظریات کا پروپیگنڈا کرنے لگتی ہے، بلکہ ان کی شاعری میں کلاسیکیت کا رچاو ہے۔ ان کی شاعری میں جو شاعری کی خصوصیات، امتیازی خصوصیات ہوتی ہیں، وہ تمام تر خصوصیات موجود ہیں۔ فیض نے روایت سے کبھی انحراف نہیں کیا، کبھی منہ نہیں موڑا، بلکہ وہ ترقی پسندی کے ساتھ ساتھ روایات کے علم کو بھی اٹھا کے چلتے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ فیض کی شاعری میں شعریت
महसूस होती है और वो तरक्की पसंद होते हुए भी अपने तमाम दूसरे तरक्की पसंद शायरों से मुख्तलिफ नज़र आते हैं। उनकी शायरी की मकबूलियत पर अगर हम गौर करें तो हमारे सामने बहुत सी खसूसियाँ सामने आती हैं। पहला सबब तो यही है कि फैज़ तरक्की पसंद नज़रिया रखने के बावजूद अपने दूसरे तरक्की पसंद शायरों की तरह अपने फ़न की नज़ाकतों और क्लासिकी रवायत से अपने को अलग नहीं किया, इसीलिए उनकी शायरी प्रोपेगेंडा होने से बच गई और हर मकतबे फ़िक्र के लोगों को पसंद आई और हर एक तरह के लोगों के दिल में उतर गई। इसकी वजह ये थी कि फैज़ शायरी के जादू को समझते थे। शायरी में जो जादू पैदा होता है वो लफ्ज़ से होता है, तो लफ्ज़ की जादूगरी क्या कमाल दिखाती है और उसको किस सलीके से इस्तेमाल किया जाता है, फैज़ इस हुनर से वाकिफ थे। और वो उन्हें इस बात का भी पता था कि अगर शायरी में हुस्न नहीं है, खूबसूरती नहीं है, दिलकशी नहीं है, तो वो शायरी ज़्यादा देर पा असर नहीं रखती और वो प्रोपेगेंडा हो जाती है या मंशूर बन के रह जाती है। इसीलिए उन्होंने न सिर्फ ये कि अपनी शायरी में लफ्ज़ के जादू का इस्तेमाल किया, बल्कि शायरी के मुतालिक जो हुस्न की अहमियत है उस पर जगह जगह अपनी तहरीरों में लिखा भी। मसलन उनकी एक नसरी तहरीर है, आपके सामने मैं पढ़ रहा हूँ, इससे आपको अंदाज़ा होगा कि फैज़ शायरी के लिए शायरी को क्या समझते थे और शायरी के लिए हुस्न को कितना अहम गर्दानते थे। मसलन वो लिखते हैं, हर वो चीज़ जिससे हमारी ज़िंदगी में हुस्न, लताफत या रंगीनी पैदा हो, जिसका हमारी इंसानियत में इजाफा करे, जिससे तज़किये नफ्स हो, यानी जो हमारी रूह को मुतरन्निम करे, जिसकी लौ से हमारे दिमाग को रोशनी और जिला हासिल हो, सिर्फ़ हसीन ही नहीं मुफीद भी है। इसी वजह से जुमले गनाईया अदब बल्कि तमाम अच्छा आर्ट हमारे लिए काबिल क़द्र है। ये इफादियत महज़ ऐसी तहरीरों का इजारा नहीं जिसमें किसी दौर के ख़ास सियासी या अक्तसादी मसाइल का बराह रास्त तज़िया किया गया हो, इसके ये मानी भी हैं कि महज़ मज़दूर, किसान, अमन या ऐसा ही कोई दूसरा उन्वान या मज़मून दूसरी खूबियों की मौजूदगी में किसी तहरीर की तरक्की पसंदी का वाहिद ज़ामिन नहीं हो सकता। इस बयान से साफ ज़ाहिर है कि फैज़ तरक्की पसंदी को महज तरक्की पसंद ख्यालात का तर्जुमान नहीं समझते थे, बल्कि उस इजहार को हसीन भी बनाना चाहते थे। और कोई भी इजहार उस वक्त तक हसीन नहीं बनता जब तक कि उसमें शेरी औसाफ पैदा न कर दिए जाएं। इसीलिए फैज़ ने अपनी शायरी के लिए इमाइयत को, मौसीकियत को, मसव्वरी को ज़रूरी समझा और अपने तरक्की पसंद नज़रियात को बराह रास्त बयान करने के बजाय उन्हें खूबसूरत इजहार का पैकर अता किया। यानी अगर हम उनकी शायरी का बग़ैर मुताला करें तो हमें जो नुमाया खूबियाँ नज़र आती हैं उनमें एक खूबी इमाइयत है, जबकि इमाइयत जो है वो तरक्की पसंदी की एक तरह से ख़िलाफ़ है। ज़्यादातर तरक्की पसंद शायरों ने डायरेक्ट इजहार का सहारा लिया और बहुत घनगरज लहजे में बात की, जोश में बात की, धीमेपन से बात नहीं की, जबकि फैज़ ने तरक्की पसंदी के बावजूद, तरक्की पसंद ख्यालात रखने के बावजूद
نظریے کو فروغ دینے کے باوجود ترقی پسند والا یہ گھن گرج والا جو لہجہ تھا اس کو نہیں اپنایا، اس لیے کہ انہیں روایت کی پاسداری تھی، وہ روایت کی اہمیت کو سمجھتے تھے، اور جو دھیما پن ہوتا ہے شاعری میں، خاص طور سے غزل کی شاعری میں، اس سے اچھی طرح واقف تھے. اسی لیے جب ہم فیض کو پڑھتے ہیں تو ان کے شعروں میں عمائیت نظر آتی ہے، اشارے نظر آتے ہیں، تہیں نظر آتی ہیں جو آسانی سے سمجھ میں نہیں آتی، بلکہ جب ہم غور کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ ان کی تہیں کھلتی ہیں اور شعریت اپنا کام کرتی ہے اور ہم کو زیادہ دیر تک اور دور تک لطف حاصل ہوتا ہے. مثلا کچھ مثالیں آپ دیکھ لیجئے. کوئی خوشبو بدلتی رہی پیرہن، کوئی تصویر گاتی رہی رات بھر، ایک امید سے دل بہلتا رہا، ایک تمنا ستاتی رہی رات بھر. دل میں وہ آگ فروزاں ہے ودو جس کا بیان کوئی مضمون کسی عنوان نہیں کرنے دیتے. صبا نے پھر درے زندہ پہ آ کے دستک دی، سحر قریب ہے دل سے کہو نہ گھبرائے. نہ گئی تیری بے رخی نہ گئی، نہ گئی تیری بے رخی نہ گئی، ہم تیری آرزو بھی کھو بیٹھے. وہ میرے ہو کے بھی میرے نہ ہوئے، ان کو اپنا بنا کے دیکھ لیا. یہ اشعار ڈائریکٹ نہیں ہیں، ان میں رمز ہے، ان میں اشارے ہیں، ان میں عمائیت ہے، ان میں تہیں ہیں جو آہستہ آہستہ کھلتی ہیں اور دیر تک اثر کرتی ہیں. یہ عمائیت فیض کی تقریباً ہر غزل میں موجود ہے. اس سے شاعری میں ایجاز و اختصار پیدا ہوتا ہے، اور شاعری اس کی بدولت پروپیگنڈا ہونے سے بچ جاتی ہے. فیض کی یہی وہ خوبی ہے جو انہیں دوسرے شاعروں یعنی ترقی پسند شاعروں سے الگ کرتی ہے، اور ان کی شاعری کو دوسرے مکتبہ فکر کے حلقوں میں بھی پہنچاتی ہے، اور غیر ترقی پسند شاعروں سے بھی یا نقادوں سے بھی داد و تحسین حاصل کرتی ہے. فیض کی مقبولیت کا ایک دوسرا راز ان کی موسیقیت ہے. ان کے شعروں سے موسیقی پھوٹتی ہے، نغمگی نکلتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ اس میں موسیقی بھر دی گئی ہو، لفظوں میں ترنم کا دریا بہا دیا گیا ہو. ایسا اس لیے کہ فیض شاعری کے لیے غنائی عنصر کو ضروری سمجھتے تھے، اسی لیے ان کی زیادہ تر غزلیں لمبی بہروں میں ہیں، ان بہروں میں جن سے ترنم پھوٹتا ہے، جن سے نغمگی ظاہر ہوتی ہے. کچھ مثالیں میں فیض کی اس وصف کا آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. سبھی کچھ ہے تیرا دیا ہوا، سبھی راحتیں سبھی کلفتیں، سبھی کچھ ہے تیرا دیا ہوا، سبھی راحتیں سبھی کلفتیں، کبھی صحبتیں کبھی فرصتیں، کبھی دوریاں کبھی قربتیں. جو تمہاری مان لے ناصحہ تو رہے گا دامن دل میں کیا، جو تمہاری مان لے ناصحہ تو رہے گا دامن دل میں کیا، نہ کسی ادو کی عداوتیں نہ کسی صنم کی مروتیں. تیرے غم کو جاں کی تلاش تھی، تیرے جاں نثار چلے گئے، تیری رہ میں کرتے تھے سر طلب، سر رہ گزار چلے گئے. نہ سوال وصل نہ عرض غم، نہ حکایتیں نہ شکایتیں، نہ سوال وصل نہ عرض غم، نہ حکایتیں نہ شکایتیں، تیرے عہد میں دل زار کے سبھی اختیار چلے گئے. اب دیکھیے ایک دوسری غزل کے شعر. کہ رت بدلنے لگی رنگ دل دیکھنا، رنگ گلشن سے اب حال کھلتا نہیں. رت بدلنے لگی رنگ دل دیکھنا، رنگ گلشن سے اب حال کھلتا نہیں. زخم چھلکا کوئی یا کوئی گل کھلا، اشک امڈے کے ابرے بہار آ گیا. خونے اس شاخ سے جام بھرنے لگے، دل سلگنے لگے،
داغ جلنے لگے، خون اس شاخ سے جام بھرنے لگے، دل سلگنے لگے، داغ جلنے لگے، محفل درد پھر رنگ پر آ گئی، پھر شب آرزو پر نکھار آ گیا۔ وہ بتوں نے ڈالے ہیں وسوسے کہ دلوں سے خوف خدا گیا، وہ بتوں نے ڈالے ہیں وسوسے کہ دلوں سے خوف خدا گیا، وہ پڑی ہیں روز قیامتیں کہ خیال روزے جزا گیا۔ جو نفس تھا خار گلو بنا، جو اٹھے تو ہاتھ لہو ہوئے، جو نفس تھا خار گلو بنا، جو اٹھے تو ہاتھ لہو ہوئے، وہ نشاط آہ سحر گئی، وہ وقار دست دعا گیا۔ نہ وہ رنگ فصل بہار کا، نہ ربش و ابر بہار کی، جس ادا سے یار تھے آشنا، وہ مزاج باد سب آ گیا۔ ادھر تقاضے ہیں مصلحت کے، ادھر تقاضائے درد دل ہے، ادھر تقاضے ہیں مصلحت کے، ادھر تقاضائے درد دل ہے، زباں سنبھالیں کہ دل سنبھالے، اسیر ذکر وطن سے پہلے۔ یوں عرض طلب سے کب اے دل پتھر دل پانی ہوتے ہیں، یوں عرض طلب سے کب اے دل پتھر دل پانی ہوتے ہیں، تم لاکھ رضا کی خو ڈالو، کب خوئے ستم گر جاتی ہے۔ یہ اور اس طرح کے بہت سے اشعار ہیں جن میں نغمگی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، ایسا لگتا ہے کہ پڑھتے وقت موسیقی پھوٹ رہی ہو، سنگیت کا دریا بہہ رہا ہو، اور جب یہ غزلیں ساز پر گائی جاتی ہیں تو اس کا نشہ دوادشہ ہو جاتا ہے، اس کا ترنم اور بڑھ جاتا ہے۔ یہ خوبی بہت کم شاعروں کے ہاں، فیض کے جو کنٹمپریری شاعر ہیں، جو معاصرین ہیں، ان کے ہاں موجود ہے، اس لیے کہ وہ اس خوبی کو سامنے، ان کے نزدیک منشور تھا، ترقی پسند نظریات تھے، وہ زیادہ سے زیادہ اپنے نظریے پر فوکس کرنا چاہتے تھے، لیکن فیض کلاسیکی مزاج رکھتے تھے، ان کی تربیت کلاسیکی انداز سے ہوئی تھی، اس لیے وہ شاعری کی اہمیت کو، شعریت کو سمجھتے تھے، اسی لیے جتنے شعری ٹولس ہیں ان سب کا انہوں نے استعمال کیا۔ ایک دوسرا شعری حربہ ہے، پیکر تراشی، یعنی خیال کو اس طرح سے پیش کیا جائے کہ خیال کی تصویر سامنے ابھر آئے، اس کی شبیہ اتر آئے۔ یہ ایسا رمز ہے جس سے اگر کوئی شاعر واقف ہو جائے تو وہ خیال کو خیال نہیں رہنے دیتا، بلکہ خیال کو، اپنے خیال کو پیکر بنا دیتا ہے، تصویر بنا دیتا ہے، اور ایسی تصویر جس کو دیکھ کے ہمارے حواس جو ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں، ہمیں حظ حاصل ہوتا ہے۔ یہ خوبی میر کی ہاں تھی، یہ خوبی غالب کی ہاں تھی، یہ خوبی مومن کی ہاں تھی، کلاسیکی شعرا کی ہاں تھی، یہ خوبی فیض کے ہاں بھی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے۔ فیض پیکر تراشی سے کام لیتے ہیں اس لیے کہ ان کا جو جذبہ ہے وہ صورت اختیار کر سکے، ان کا احساس جو ہے وہ مصوری کا روپ لے سکے، ان کا خیال جو ہے وہ محاکات بن جائے، تاکہ پڑھنے والے کو زیادہ سے زیادہ لطف حاصل ہو، شاعری کا مزہ مل سکے۔ کچھ مثالیں پیکر تراشی سے۔ وہ تیرگی ہے رہے بتا میں، چراغ رخ ہے نشم میں وعدہ، کرن کو یارزو پلاؤ کہ سب در و بام بجھ گئے ہیں۔ صبح کی طرح جھمکتا ہے، صبح کی طرح جھمکتا ہے شب غم کا افق، صبح کی طرح جھمکتا ہے شب غم کا افق، فیض تابندگی دیدے تر دیکھو، میری خاموشیوں میں لرزاں ہے میرے نالوں کی گمشدہ آواز، پیو کے مفت لگا دی ہے خون دل کی سبیل، گراں ہے اب کہ میں لالہ فام کہتے ہیں، رات مہکی ہوئی آئی ہے، رات مہکی ہوئی آئی ہے کہیں سے پوچھو، آج بکھرائے ہوئے زلف طرح دار ہے کون، رنگ پیراہن کا خوشبو، زلف لہرانے کا نام، موسم گل ہے تمہارے بام پر آنے کا نام۔ ایسا لگتا ہے کہ شاعر نے مختلف جذبوں کی، مختلف خیالوں کی تصویریں اتار دی ہیں جن کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔
अच्छी शायरी का एक कमाल ये भी है कि जो कुछ कहा जाए उसकी तस्वीर उभर आए, यानी वो आपको दिखाई देने लगे। ये हर शायर का कमाल नहीं होता, ये किसी किसी शायर का कमाल होता है। अभी ये कमाल हमने फैज़ के शेरों में देखा। फैज़ का एक कमाल ये भी है कि फैज़ ने बहुत कम गज़लें लिखी हैं, कुल 80-85 गज़लें हैं। 7-8 मजमुओं में कुल फैज़ ने 80-85 गज़लें लिखी हैं, ज़्यादातर नज़में लिखी हैं, लेकिन इतनी कम गज़लों में भी उनके अशआर इतने ज़्यादा मकबूल हैं, इतने ज़्यादा मशहूर हैं कि हैरत होती है। यानी गालिब और इकबाल के बाद अगर किसी शायर के अशआर ज़रबुल मसल बने हों, या लोगों ने जिनके मिसरों का इस्तेमाल या जिनकी तरकीबों का इस्तेमाल या जिनके मिसरों के टुकड़ों का इस्तेमाल अपनी किताबों के उनवान के लिए किया हो, वो फैज़ अहमद फैज़ हैं। फिर फैज़ के यहाँ जो अशआर हैं, जो मिसरे हैं, इतने बोलते हुए हैं, इतने सादा और रवां हैं कि लोगों की ज़बान पे चढ़ गए हैं, जिनको हम कहते हैं सहले मुमतना, यानी ऐसा हुस्न, ऐसा शेर कि नसर करें तो वो मुश्किल हो जाए। यही वजह है कि फैज़ ज़्यादातर लोगों को याद हैं, ज़्यादातर लोगों की ज़बान पर फैज़ के अशआर चढ़े हुए हैं। और सहले मुमतना की ये ख़ूबी फैज़ के शेरों में हमें ज़्यादा दिखाई देती है। कुछ शेर जो बहुत मशहूर हैं, बहुत मकबूल हैं, उन्हें हमें सुनना चाहिए, हमें जानना चाहिए। मैं कुछ अशआर पढ़ता हूँ। वो बात सारे फसाने में जिसका ज़िक्र न था, वो बात उनको बहुत नागवार गुज़री है। वो बात सारे फसाने में जिसका ज़िक्र न था, वो बात उनको बहुत नागवार गुज़री है। एक फुर्सते गुनाह मिली वो भी चार दिन, एक फुर्सते गुनाह मिली वो भी चार दिन, देखे हैं हमने हौसले परवरदिगार के। हम परवरिशे लौह कलम करते रहेंगे, जो दिल पे गुज़रती है रकम करते रहेंगे। दोनों जहान तेरी मोहब्बत में हार के, वो जा रहा है कोई शबे गम गुजार के। दुनिया ने तेरी याद से बेगाना कर दिया, दुनिया ने तेरी याद से बेगाना कर दिया, तुझसे भी दिल फरेब हैं गम रोज़गार के। वीरा है मैं कदा खुमो सागर उदास हैं, तुम क्या गए कि रूठ गए दिन बहार के। और क्या देखने को बाकी है, आपसे दिल लगा के देख लिया। और क्या देखने को बाकी है, आपसे दिल लगा के देख लिया। वो मेरे हो के भी मेरे न हुए, वो मेरे हो के भी मेरे न हुए, उनको अपना बना के देख लिया। न गुल खिले हैं न उनसे मिले न मैं पी है, न गुल खिले हैं न उनसे मिले न मैं पी है, अजीब रंग में अब के बहार गुजरी है, अजीब रंग में अब के बहार गुजरी है। नसीब आजमाने के दिन आ रहे हैं, नसीब आजमाने के दिन आ रहे हैं, करीब उनके आने के दिन आ रहे हैं। तुम्हारी याद के जब जख्म भरने लगते हैं, तुम्हारी याद के जब जख्म भरने लगते हैं, किसी बहाने तुम्हें याद करने लगते हैं, किसी बहाने तुम्हें याद करने लगते हैं। रंग पैराहन का खुशबू जुल्फ लहराने का नाम, मौसम गुल है तुम्हारे बाम पर आने का नाम। ये दाग दाग उजाला ये शब गजीदा सहर, वो इंतज़ार था जिसको ये वो सहर तो नहीं। मताए लौहो कलम छिन गया तो क्या गम है, कि खूने दिल में डुबोली हैं उंगलियां मैंने। मताए लौहो कलम छिन गया तो क्या गम है, कि खूने दिल में डुबोली हैं उंगलियां मैंने।
زباں پر مہر لگی ہے تو کیا کہ رکھ دی ہے ہر ایک حلقے زنجیر میں زباں میں نے. رات یوں دل میں تیری کھوئی ہوئی یاد آئی جیسے ویرانے میں چپکے سے بہار آ جائے. رات یوں دل میں تیری کھوئی ہوئی یاد آئی جیسے ویرانے میں چپکے سے بہار آ جائے. جیسے صحراؤں میں ہولے سے چلے باد نسیم, جیسے بیمار کو بے وجہ قرار آ جائے. یہ ایسے اشعار ہیں, یہی نہیں ان کے علاوہ بھی بہت سے اشعار ہیں جو لوگوں کی زبانوں پر چڑھے ہوئے ہیں, جو عوام کی زبان پر ہر وقت موجود رہتے ہیں اور مختلف موقع اور محل سے یہ اشعار پڑھے جاتے ہیں. تو ایک طرح سے اردو شاعری کا جو یہ ایک وصف ہے کہ اس میں, جس کے بارے میں خوشونت سنگھ نے بھی کہا تھا کہ اردو دنیا کی واحد زبان ہے جس میں ہر موقع اور ہر محل کے اشعار موجود ہیں, تو اس طرح کے اشعار فیض کے کلام میں بہت موجود ہیں جو مختلف موقعوں پر ہمارا ساتھ دیتے ہیں اور بہت کچھ کہنے سے ہم کو بچا دیتے ہیں اور صرف چند لفظوں میں بڑی سے بڑی بات دوسروں تک پہنچا دیتے ہیں. تو یہ جو وصف ہے یہ فیض کے ہم اثروں میں سے کسی کو حاصل نہیں ہوا سوائے فیض کے, اور یہ اس لیے یہ ہوا کہ فیض نے شاعری پر محنت کی. صرف ترقی پسند خیالات ہی ان کے سامنے نہیں تھے بلکہ ترقی پسند خیالات کو خوبصورت اظہار دینے کا مسئلہ بھی ان کے سامنے تھا, اور چونکہ روایت سے وہ جڑے ہوئے تھے, روایت کی اہمیت کو سمجھتے تھے, کلاسیکی رچاؤ کیا ہوتا ہے اس کو جانتے تھے, اسی لیے اپنی شاعری میں خصوصاً غزلوں کی شاعری میں فیض یہ وصف پیدا کرنے میں کامیاب ہو سکے. فیض کے مصرے, فیض کے ٹکڑے اتنے لوگوں کو اچھے لگے, اتنے مشہور ہوئے کہ لوگوں نے اپنی کتابوں کی عنوان رکھ لیے. مثلا شیشوں کا مسیحا, یہ داغ داغ اجالا, سلیبے میرے دریچے میں, متائے لوح قلم, بول کے لب آزاد ہیں تیرے, آخر شب کے ہم سفر, سفینہ غم دل. قرۃ العین حیدر جو بہت بڑی ادیبہ ہیں, جو بہت بڑی نالسٹ ہیں, انہوں نے اپنی کتابوں کے نام فیض کے مصروں اور ان کے ٹکڑوں پر رکھے ہیں. مثلا آخر شب کے ہم سفر قرۃ العین حیدر کا ایک بہت مشہور ناول ہے, یہ عنوان جو ہے فیض کے ہاں سے انہوں نے لیا. سفینہ غم دل, یہ بھی عنوان فیض کے ہاں سے لیا. تو گم شدہ نالوں کی آواز, یہ ایک نئے ناول نگار ہیں, ان کی کتاب کا نام ہے. تو یعنی فیض کے زمانے کے ادیبوں نے, فیض کے بعد کے ادیبوں نے, یہاں تک کہ آج کے نوجوان ادیب بھی فیض کی غزلوں سے عنوان حاصل کر رہے ہیں اور اپنی کتابوں کی زینت بنا رہے ہیں. اس سے فیض کی مقبولیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. مقبولیت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ فیض نے کلاسیکی ادبی و شعری روایات سے منہ نہیں موڑا, جیسا کہ پہلے بھی بتایا گیا, اور وہ لفظ جو ہمارے کلاسیکی شاعری میں استعمال ہوتے تھے, مثلا پھول, خار, گلشن, قفس, آشیاں, گلچی, ساقی, میخانہ, ناسے, وائز, محتسب, رقیب, یہ سارے الفاظ فیض نے استعمال کیے. لیکن فیض کا کمال یہ ہے کہ فیض نے ان لفظوں کو نئے معنی دے دیے. فیض کے ہاں گل جو ہے وہ محبوب کی علامت نہیں رہ جاتا ہے, بلکہ گل وطن کی علامت بن جاتا ہے. اسی طرح سے بہت سے الفاظ نئے معنی اختیار کر لیتے ہیں. یہ ایک بڑا کارنامہ ہے فیض کا, جس سے اردو شاعری کا مزاج بدلتا ہے اور اردو شاعری میں نئے موضوعات داخل ہوتے ہیں اور ڈکشن کو ایک نیا معنی حاصل ہوتا ہے. مثلا آپ کچھ شعر دیکھیے
कि गुलों में रंग भरे बादे नौबहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। कफ़स उदास है यारो सबा से कुछ तो कहो, कफ़स उदास है यारो सबा से कुछ तो कहो, कहीं तो बहरे खुदा कुछ तो ज़िक्र यार चले। जो हम पे गुज़री सो गुज़री मगर शबे हिजरा, जो हम पे गुज़री सो गुज़री मगर शबे हिजरा, हमारे अश्क तेरी आकबत संवार चले। या चमन में गारते गुलची से जाने क्या गुज़री, कफ़स से आए सबा बेकरार गुज़री है। इन शेरों में जो डिक्शन है, जो लफ्ज़ियात हैं, उसके मानी वो नहीं हैं जो पहले इस्तेमाल होते थे, बल्कि ये बदले हुए मानी में अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। फैज़ को रूमानी शायर कहा जाता है, मगर फैज़ अपनी रूमानियत के बावजूद अपने इनकलाबी मिजाज को रोक नहीं पाए। यहाँ तक कि उनकी बेहतरीन नज़्म यानी मकबूल तरीन नज़्म मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग में भी वो अपने इनकलाब को छुपा नहीं पाए। उनका इनकलाबी नज़रिया इस नज़्म में भी ज़ाहिर होता है। मसलन और भी गम हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा, और भी गम हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा। जा बजा बिकते हुए कूचो बाज़ार में जिस्म, खाक में लुथड़े हुए खून में नहलाए हुए, लौट जाती है उधर को भी नज़र क्या कीजिए, अब भी दिलकश है तेरा हुस्न मगर क्या कीजिए, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। ये बदला हुआ जो मिजाज है, ये मिजाज उर्दू शायरी को एक नया मोड़ देता है। इससे पहले महबूब अहम था, महबूब के लिए शायर सब कुछ छोड़ देता था, सबको त्याग देता था, बड़ा से बड़ा काम छोड़ देता था, अपनी ज़ात को भी भूल जाता था। लेकिन अब जो ज़माना आया है, इस ज़माने ने रोज़गार को इतना अहम बना दिया है, रोज़गार के गम को इतना बड़ा कर दिया है कि वो महबूब के गम से भी ज़्यादा अहम हो गया है। और इसीलिए फैज़ को ये कहना पड़ा कि दुनिया ने तेरी याद से बेगाना कर दिया, तुझसे भी दिल फरेब हैं गम रोज़गार के। ये मामूली बात नहीं है कि महबूब, जो महबूब होता है, जो सबसे प्यारा होता है, उसकी मोहब्बत कम पड़ जाए, वो नज़रअंदाज हो जाए किसी और मौजू के आगे, किसी और सूरत हाल के आगे। तो इस तरह से फैज़ की शायरी से उर्दू शायरी में एक नया मोड़ आता है, मिजाज बदलता है, और इस तरह से उर्दू शायरी आगे बढ़ती है। फैज़ की इस नज़्म और बार दूसरी नज़मों और गज़लों में भी इस तरह के अशार मिल जाते हैं। जब कभी बिकता है बाज़ार में मज़दूर का गोश्त, शाहराहों पे गरीबों का लहू बहता है, आग ही सीने में रह रह के उबलती है न पूछ, अपने दिल पर मुझे काबू नहीं रहता है। इससे उर्दू शायरी में एक तरह से इनकलाब पैदा होता है, और इस इनकलाब की गूंज बहुत दूर तक सुनाई देती है। फैज़, अब सवाल ये पैदा होता है कि फैज़ इस तरह के मौजूआत को इतनी अहमियत क्यों देते हैं। फैज़ के बारे में पहले भी कहा गया कि वो एक ऐसे इंसान थे जिनके सीने में एक दर्दमंद दिल था, वो दुनिया के दुख दर्द को नहीं देख सकते थे, जुल्म को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, इसीलिए जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। न सिर्फ ये कि शायरी की, बल्कि अमली इकदाम किए, जेल गए, उनको मुख्तलिफ जेलों में बंद किया गया, और उनके नज़दीक सिर्फ हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लोग ही अहम नहीं थे, बल्कि दुनिया में जहाँ भी गम उन्होंने देखा, जहाँ भी मजालिम देखे, जहाँ भी आहोबका सुनी, उस पर आवाज़ उठाई, उसके ख़िलाफ़ नारा बुलंद किया। इसीलिए फैज़ मातूब रहे हमेशा अपने मुल्क में, और दरबदरी, शहर बदरी के शिकार रहे,
दूसरे मुल्कों में उन्हें मुल्क छोड़ के जाना पड़ा। और ये इसलिए हुआ कि वो हमेशा इंसानी जद्दोजहद जो हो रही थी उससे अपना राबता कायम रखा। मुल्क के किसी भी कोने में जुल्म हो रहा था, मुल्क के किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में मजदूर मर रहा था या चीख रहा था या रो रहा था, उससे फैज़ ने अपनी वाबस्तगी कायम की और ऐसे अशार कहे जिससे अंदाज़ा होता है कि उनको सिर्फ गमे जाना ही अजीज़ नहीं था, गमे दौरा भी अजीज़ था। और कुछ इस तरह के अशार भी दिखाई देते हैं। एक गर्दने मखलूक जो हर हाल में खम है, एक बाजुए कातिल है जो खुरेज बहुत है, दस्ते सयाद भी आजिज़ है, कफ़े गुलची भी बुए गुल ठहरी, न बुलबुल की ज़बाँ ठहरी है अहले दिल के लिए अब ये नज़्म बस तो कुशाद, कि संग खिश्त मुकैद हैं और संग आजाद आज़ाद। कब नज़र में आएगी बेदाग सब्ज़े की बहार, खून के धब्बे धुलेंगे कितनी बरसातों के बाद। फैज़ की तरक्की पसंदी का सबसे बड़ा सबूत ये है कि उन्होंने सच को ज़िंदा रखा, सच को मरने नहीं दिया, खुद सच बोलते रहे और दुनिया को भी सच बोलने पर मजबूर किया। और ये नज़्म लिखी कि बोल के लब आज़ाद हैं तेरे। आज फैज़ के इस सच को, इस मिसरे को हर जगह इस्तेमाल किया जाता है। और फैज़ ने उन हालात में भी अपना मुँह बंद नहीं रखा जहाँ पर मुँह पे ताले लगा दिए जाते हैं। मताए लोहो कलम छिन गए तो क्या गम है, कि खूने दिल में डुबो ली हैं उंगलियाँ मैंने, ज़बाँ पे मोहर लगी है तो क्या के रख दी है, हर एक हलके जंजीर में ज़बाँ मैंने। ये फैज़ का मुख्तसर तारुफ था, उनके कलाम की कुछ मिसालें थीं। फैज़ को चंद घंटों में या चंद लफ्ज़ों में बांध कर नहीं रखा जा सकता। फैज़ बड़े शायर हैं, उनका कलाम बड़ा है, उन पर गुफ्तगू का सिलसिला कभी भी बंद नहीं हो सकता। शुक्रिया। हमारे पास वाराणसी से कॉल है। जी बोलिए, अपना सवाल पूछिए। हेलो, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग मैम। जी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, आप अपना नाम बताएं। हेलो, हाँ ये मैं जानना चाहता हूँ कि आप अपना नाम बताएं। सवाल पवन है, मैं वाराणसी से कॉल कर रहा हूँ। पवन आपका स्वागत है, अब अपना सवाल बताएं। हाँ, मेरा प्रश्न ये है कि फैज का स्त्री विमर्श से क्या विचार था, और दूसरा सवाल है आज के दौर में फैज कितने प्रासंगिक, आज के दौर में फैज कितने प्रासंगिक पहले हाँ, प्रश्न दोहराएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही है। आप इस सवाल का जवाब आप यूं लीजिए कि कुछ दिनों पहले दिल्ली में जंतर मंतर पर एक मुजाहरा हुआ था। उस मुजाहरे में यानी किसी को मार दिया गया था, उसके ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा मजमा जमा हुआ था, तो फैज़ की नज़्म वहाँ पे पढ़ी गई, बोल के लब आज़ाद हैं तेरे। इससे अंदाज़ा आप कर सकते हैं कि फैज़ इस ज़माने के लिए कितने अहम हैं और उनका कलाम कितना मुआमिल लोगों के लिए साबित हो सकता है। आप अपना पहला प्रश्न दोहराएंगे पवन? लगता है हमारा कनेक्शन गट गया। कुछ सवाल मैं भी आपसे पूछ लेती हूँ प्रोफेसर। फैज़ अहमद फैज़ अपने ज़माने के शायरों से कैसे मुख्तलिफ थे? देखिए, फैज़ का जो ज़माना है वो तरक्की पसंदी का ज़माना है, यानी ऐसा ज़माना जिस ज़माने में तरक्की पसंद तहरीक उरूज पर थी। हर आदमी तरक्की पसंद तहरीक के ज़ेर असर अदब लिख रहा था, शायरी कर रहा था, अफसाने लिख रहा था, कहानियाँ लिख रहा था, नावल लिख रहा था। और सबके सामने ये था कि हमें जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी है, मज़दूरों का मज़लूमों का साथ देना है। तो जब भी किसी मकसद को सामने रखकर हम शायरी करते हैं या अदब लिखते हैं, तो उस शायरी को, उस अदब को प्रोपेगेंडा हो जाने का ज़्यादा ख़तरा रहता है, क्योंकि दाखली शायरी जो है वो दाखली अर्ज है, वो अंदर से आती है। लेकिन जब हम किसी
गोल को सामने रख के, किसी मंशूर को, मैनिफेस्टो को सामने रख के जब शायरी करते हैं तो उसमें बहुत कुछ चीज़ें भर्ती की आ जाती हैं और वो शायरी जो है वो प्रोपेगेंडा होकर हो जाती है। ज़्यादातर तरक्की पसंद शायरों के यहाँ ये बात पैदा हो गई कि उनकी शायरी एक अहरेपन के शिकार हो गई, मंशूर बन के रह गई, शेरियत गायब हो गई, जो अदब का, शेर का जो हुस्न होता है वो ज़ायल हो गया, वो मकसद गालिब आ गया और शेरियत पीछे रह गई। फैज़ इस माने में खुशकिस्मत हैं कि उनके यहाँ ये बात पैदा नहीं हो पाई। उनके यहाँ तरक्की पसंद नज़रियात के साथ साथ शेरियत भी कायम रही और इसकी वजह यह है कि उन्होंने रवायत से अपने आप अपना पीछा नहीं छोड़ाया, मुंह नहीं मोड़ा, बल्कि रवायत को ले के चले, उन लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया जो हमारे पास पहले से मौजूद थे और उनको खूबसूरत उनका इजहार खूबसूरत तरीके से किया, तख्लीकी इजहार किया। जब हम तख्लीकी इजहार करते हैं तो शेरियत पैदा होती है, तब शायरी पैदा होती है, तब बड़ी शायरी पैदा होती है। फैज़ इस तरह से मुख्तलिफ हैं कि इन्होंने शायरी के जो लवाजिम हैं, शायरी की जो टूल्स हैं, उनसे पीछा नहीं छोड़ाया, उनका ख्याल रखा नज़रियात के साथ साथ, अपने नज़रियात को शायरी से हम आंग करके पेश किया, जबकि इनके दूसरे जो कंटेम्परेरी थे या मासरीन थे उनमें से ज़्यादातर लोगों ने इस बात का ख्याल नहीं रखा। इस तरह से फैज़ अपने मासरीन से मुख्तलिफ हो जाते हैं। प्रोफेसर हमारे साथ यूपी से एक कॉलर जुड़ गए हैं। नमस्कार, हेलो 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 हेलो, हाँ नमस्कार, आप अपना सवाल पूछिए, अपना नाम बताइए, फिर सवाल पूछिए। हेलो 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 आप अपना नाम बताइए और फिर अपना सवाल पूछिए। लगता है कॉल करके हम जब तक दोबारा हमसे जुड़ते हैं हम एक प्रश्न और ले लेते हैं कि फैज़, हमने पूरे लेक्चर में ये जाना कि फैज़ एक तरक्की पसंद शायर थे, फिर भी इसके बावजूद भी उन्होंने उर्दू रवायत को का ख्याल रखा, क्यों ऐसा क्यों? हाँ, जो भी बड़ा शायर होता है वो ये ज़रूरी है कि हमेशा जो बड़ा शायर होता है, जो जेन्युइन शायर होता है, वो इज्तिहाद से, जिद्दत से काम लेता है, यानी वो बनी बनाई जो रविश होती है उस पर नहीं चलता है, अपनी डगर, वो उस डगर से हट के चलता है, अपने लिए नया रास्ता इख्तियार करता है। लेकिन जो रवायत की सही कदरें होती हैं, जो सालिम कदरें होती हैं, जो अच्छी कदरें होती हैं, उनको नज़रअंदाज नहीं करता, अपने क्लासिक्स को पढ़ता है और अपने क्लासिक्स में जो अच्छा सरमाया है उसको अपने अंदर जज्ब करता है और उनका फ़ायदा उठाता है। तो इसीलिए फैज़ अहमद फैज़ रवायत की अहमियत को समझते थे, तो उन्होंने रवायत का जो डिक्शन था उसको सामने रखा और चूंकि जिद्दत भी पैदा करनी थी इसलिए उस रवायत में अपनी जिद्दत तराजी से काम लिया और उस रवायत को और बेहतर बनाकर लोगों के सामने रखा। एक आखिरी प्रश्न और ले लेते हैं कि फैज़ अपनी शायरी से दुनिया को क्या पैगाम देना चाहते थे? जी देखिए, तरक्की पसंद शायरों का तो साफ साफ पैगाम था कि हमको ऐसी शायरी या ऐसा अदब लिखना है जो आवाम के फ़ायदे के लिए हो और जो सरमायदारों के ख़िलाफ़ हो, जो आम लोगों का साथ दे, जो सरमायदारी के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करे। तो ये तो हर बड़े शायर का ये काम होता है। मैं एक आपको रुकूंगी, एक कॉल है यूपी से हमारे पास। हेलो, हाँ हेलो मैम, हेलो, हाँ हेलो, अपना नाम बताइए और सवाल पूछिए। हाँ मैम, मेरा सवाल है कि फैज़ जी का स्त्री विमर्श पे क्या विचार था? दोबारा एक बार दोहराएंगे अपना सवाल। हाँ, फैज़ जी का स्त्री विमर्श पे क्या विचार था? स्त्री विमर्श कह रहे हैं आप? हेलो मैम, आपका सवाल है कि
फैज का स्त्री विमर्श से पर क्या विचार था? जी मैम, जी स्त्री विमर्श की बात कर रहे हैं ये। देखिए फैज जो हैं, ये फैज एक ऐसे शायर थे या एक ऐसे थिंकर थे जिनके नज़दीक इंसान इंसान होता है, वो इंसान को मर्द और औरत में बांट के नहीं देखते। तो फैज़ ने इन औरतों के साथ वही रवैया अपनाया जो मर्दों के साथ अपनाया। इवन जो शादी की उन्होंने जिस औरत से, उस औरत को भी बराबरी का दर्जा दिया और ज़रा भी अपने आप को सुपीरियर नहीं समझा। तो फैज़ का ख़्याल ये था कि औरत और मर्द दोनों के मिलने से गाड़ी आगे बढ़ती है, एक भी अगर कमज़ोर होता है तो ज़िंदगी की गाड़ी जो है डगमगाने लगती है। तो फैज़ ही नहीं बल्कि उस ज़माने के जितने तरक्की पसंद शायर थे उनके नज़दीक औरत और मर्द में कोई फ़र्क नहीं था, बल्कि औरत के ख़िलाफ़ जो जुल्म हो रहा था पहले से, उस जुल्म के ख़िलाफ़ इन सब ने आवाज़ उठाई और फैज़ इस मामले में आगे आगे थे, पेश पेश थे। चलिए तो हम ये जान लेते, हमने इस लेक्चर में, आज के लेक्चर में ये जाना कि फैज़ की शख्सियत के बारे में जाना, फैज़ की शायरी के बारे में जाना, कुछ सवाल पूछे और बहुत कुछ उनके चरित्र के बारे में भी हमें पता चला। अगर इस लेक्चर के रिगार्डिंग आपके कोई भी सवाल हो या सुझाव हो तो उन्हें आप हमारे ईमेल आईडी पर लिखकर भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी नोट करिए, info.cec@nic.in। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।